गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज कुछ स्पेशल होने वाला है। मैं बना रही हूँ छोले और भटूरे। तो ये रहे छोले मेरे, मैंने इसको पानी में सोक करके रख लिया था, रात को भिगोए थे मैंने ये। अब मैं जा रही हूँ बनाने, तो मैं आज आपके साथ छोले भटूरे की रेसिपी शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। घर में आप लोग कभी भी मन करे तो बना के खा सकते हैं। और बस ये है कि इसमें एक ये काम, लंबा प्रोसीजर यही होता है कि छोलों को भिगोना पड़ता है। हाँ जी, तो चलिए करते हैं शुरू। ये रहे छोले, और मैंने ये कॉटन का कपड़ा ले लिया है। आप लोगों को यहाँ, हाँ, तो मैंने एक ये कॉटन का कपड़ा लिया है। इसके अंदर मैं, और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी चाय पत्ती। इसका एक मतलब पोटली सी बना देंगे, बैग सा बना देंगे। अगर आपके पास टी बैग है तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं। मैं इसको ऐसे एक पोटली बना दूंगी। और मैं ये डाल दूंगी, बॉईल कर रही हूँ मैं इसको, बॉईल करने के लिए रख रही हूँ, तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, इसके ऐसा ना हो कि अगर आप दोबारा डालें तो ज्यादा हो, तो इसमें ही डाल दिया। सो गाइस, मैं आ गई फिर से। तो अब हम करेंगे भटूरों की प्रिपरेशन, क्योंकि जो भटूरे का आटा है वो हमें कम से 1.5 घंटे पहले बनाना है ताकि वो फूल जाए इसके लिए। तो ये रहा मेरे पास मैदा, और कहाँ से फूल रहा है, मैं इसको यहाँ से खोलती हूँ। सो हम तो जैसे हम थोड़े ही, दो ही लोग हैं, तो मैं दो ही डालूंगी। क्योंकि ये फूलेगा भी, और अगर ये बच जाएगा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। पर हाँ, ये कि आप बाद में इसके जैसे शाम को स्नैक्स में समोसे वगैरह ऐसी कोई चीज बना सकते हैं। तो ये ले लिया है मैंने मैदा, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक। मेरा इसमें चम्मच अंदर चला गया है, हल्का सा नमक। और मेरे पास अजवाइन अभी नहीं है, तो आप इसमें अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी कस्तूरी, ऐड करूंगी खाने का सोडा, बोलते हैं जिसको बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। तो ये मैं सिर्फ पिंच में डाल रही हूँ, 2 पिंच डालूंगी मैं। और फिर इसके बाद हम इसका आटा लगाएंगे, नहीं इसमें भी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी ऐड करेंगे। विक्की विद्या का कॉर्नफ्लावर, ये थोड़ा सा ना क्रंची बनाने के लिए, ज्यादा नहीं, ये भी 2 मतलब 1 चम्मच चीना फ्राइड में आटे के लिए, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। और मेरे को लग रहा है मैदा थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा बस। अब मैं ले लेती हूँ थोड़ा पानी, इसमें पानी तो कम ही यूज होगा क्योंकि हम इसको गूंदने वाले हैं दही से, जो खटास आएगी ना वो सारी दही की ही होती है। तो मैं दही ले लेती हूँ, दही से इसको हमें गूंद करना। ये रही दही, तो थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे और फिर धीरे धीरे इसको बाइंड करेंगे। जब मैं छोटी थी तो मुझे सबसे मुश्किल काम, मतलब शादी से पहले सबसे मुश्किल काम लगता था बर्तन, सॉरी ये आटा गूंदना, मतलब रोज गूंदना बर्तन।
तो गाइस मेरा डो बन के रेडी है और ये बिल्कुल भी ना मतलब चिपचिपा है, अभी आप लोग को चिपचिपा लगेगा तो मैं सेट कर लूंगी और इस पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करूंगी और इसको सेट होने के लिए रख दूंगी। तो गाइज आज मैं आपको सिखाऊंगी एक ट्रिक कि अगर आपका मिक्सर खराब हो, क्योंकि मेरा मिक्सर खराब हो गया है, उसमें कोई वायर टूट गई है, तो अगर आपका मिक्सर खराब हो तो आप टमाटर को कैसे मतलब पीस सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले मैं इसको कैसे कट कर दूंगी, ये साइड लेनी है मोटी साइड। इसको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, देखिए बिल्कुल ग्रेवी टाइप हो गए हैं ये, हल्के से मोटे होते हैं उससे पर बेटर होता है। भाई मैंने हरी मिर्च काट ली है, पैन हीट होने रख दिया है। तो अब कई लोग ये कहेंगे कि आपने इसमें क्या खास दिखाया, ये हमें ऑलरेडी पता था। तो आपको ऑलरेडी अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, पर कईयों को नहीं पता था या कईयों के पास मिक्सर नहीं है या खराब हो जाता है, तो उनके लिए बहुत यूजफुल चीज है। सीरियसली ये बहुत यूजफुल चीज है और मुझे तो खुद नहीं पता था एक्चुअली, ये सीरियसली बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था, मुझे अपने इन लॉज फैमिली में आगे पता लगा, मुझे अपने घर पे नहीं पता था ये चीज। तो वहां पे मैं बिल्कुल बारीक बारीक काटने बैठ जाती थी और बहुत टाइम वेस्ट होता था। तो ये हमारा रेडी है, पैन में मैंने तेल डाल दिया है, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। तो इसको मैं मैश कर देती हूँ हल्का फुल्का, मेरा तेल भी गर्म हो गया है, तो तेल में मैं ऐड करूंगी जीरा। हींग भी ज्यादा नहीं ऐड करना था आपको, पिंच में ऐड करना होगा, एक पिंच दो पिंच। इसमें मैं डालूंगी तेज पत्ता, डालते हैं हरी मिर्च, अगर आप प्याज डाल रहे हैं तो प्याज डाल दीजिए, जो भी आपने इसके बाद डालना है। तो वो आप डाल दीजिए ताकि इसकी घास ना फैले, और हरी मिर्च जल जाती है तो फिर उसका टेस्ट इतना नहीं आता है। और उसकी जो मिर्ची ऐड करना भूल गई, थोड़ी सी मैं देगी मिर्च ऐड करूंगी कलरफुल से। एवरेस्ट का किंग, किचन किंग, सॉरी किचन किंग मसाला, एक सैशे ऐड करूंगी मैं मैगी मसाला, बाकी हल्दी और हरी मिर्च मैंने डाल दी है, तो मैं इसमें लाल मिर्च ऐड नहीं करूंगी क्योंकि मैं लाल मिर्च अभी अवॉइड कर रही हूँ, बिकॉज लाल मिर्च नहीं है ठीक हमारे लिए, सेहत के लिए, ऊपर से गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, तो लाल मिर्च मैं अवॉइड कर रही हूँ काफी टाइम से। मैंने सीधे आधी किलो हरी मिर्च खरीद के रखी हुई है और आपने देखा होगा मैंने इसमें भी बहुत ज्यादा ऐड करी है, क्योंकि ये ना मतलब तीखी नहीं है ज्यादा, तो इसलिए तेल छोड़ दिया है और मैं नमक इसमें पहले ही डाल चुकी थी जब मैंने बॉयल किया था, तेल छोड़ दिया इसमें, ये एवरेस्ट और ये ऐड करूंगी मैं इसमें डालूंगी, तो मैं इसको एक चम्मच के लगभग डालूंगी। ये मैंने ऐड कर दिया एवरेस्ट का मसाला किचन किंग, ओह माय गॉड,
अब मैं ऐड कर देती हूँ मैगी मसाला। ये मैं एक पूरा शीशे ऐड करूंगी। तो गाइस ये भी हो चुका है, बॉयल आने शुरू हो गए हैं और साइड से तेल भी छोड़ दिया है। और ये रहे छोले, अब मैं इन छोलों को इसमें ऐड करूंगी धीरे धीरे। और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, छोलों का कलर देखिए आप, अभी नहीं पता लगेगा, बनने के बाद दिखाऊंगी। थोड़ा सा पानी कम रह गया है तो मैं इसको डालती हूँ उसमें बॉइल करके। बहुत डिलीशियस लग रहा है रियली। लुक एट द कलर, घर पे बने हुए बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल अच्छे पानी से, पता नहीं बाहर कैसा पानी यूज होता होगा, तो बहुत डिलीशियस बने हैं रियली। और अब ना जैसे इसको हम क्या करेंगे, बंद करके रख देंगे इसको कुकर को। गाइस अब बनाते हैं भटूरे। मैंने बड़ी कढ़ाई ली है, इसमें तेल अच्छे से, मतलब अच्छे से बनेंगे, फूले फूले, खुले खुले बर्तन में बनाना तो अच्छे से फूले फूले बनेंगे। और ये आटा भी देखते हैं सेट हो चुका है, फूल चुका है आटा, देखिए लगभग आधी कढ़ाई है, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है। या इससे मैं इसमें से ले लेती हूँ, इसको थोड़ा सा और ग्रीस करेंगे हम ऑयल से। और अब इसको थोड़ा सा हम हाथ से मलेंगे, मतलब मलना मतलब सॉफ्ट करेंगे और थोड़ा सा। तो मैं इसको एक बार देखिए कितना सॉफ्ट है, चिपचिपा सा दिख रहा था पर अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि इसी वजह से जो हमारे भटूरे हैं सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। तो गाइस मैंने 3 से 4 मिनट इसको वो कर लिया है हाथ से, ऐसे जो भी क्या बोलते हैं पता नहीं। और ये देखिए सॉफ्ट है ये बिल्कुल। और अब हमारा तेल हो रहा है क्रिएट, तेल बटर उसके बाद हम बनाएंगे भटूरे। सो गाइस तेल हो चुका है एकदम गरम, इसमें से धुआं आने लग गया है। और ये सूखे आटे में लगा के बेलेंगे, जिससे हाथ पे हो सके वो हाथ पे बेल ले, बट मुझे नहीं। अब हम इसको करते हैं फ्राई। फूला हुआ भटूरा बना है हमारा, बहुत मस्त बना है, मेरी एक्सपेक्टेशंस मतलब मेरी सोच से भी अच्छे बन गए हैं। इसको ऐसे ऐसे हल्का हल्का करते रहेंगे। डिलीशियस छोले भटूरे की थाली, छोले, चटनी, अचार, प्याज और खीरे, और ये है भटूरे। तो चलो टेस्ट करवाते हैं और फिर पूछते हैं कैसे बने, देखते हैं और पूछते हैं पति देव से कैसा बने। और ले आओ, कैसा बना है, पक्की तारीफ, कैसा बना है सोम, अच्छा खिलाती हूँ। तो गाइज ये था मेरा छोले भटूरे का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, आई होप कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। और मेरे पतिदेव ने तो मेरी तारीफ़ कर दी, तो आप भी चाहते हैं कि अगर सब आपकी तारीफ़ करें तो अपने घर में ज़रूर बनाइए। और कम इन्ग्रीडियंट्स में बन जाता है और बहुत मज़ेदार बना था रियली, मतलब
सच बता रही हूँ बहुत अच्छा बना था, तो प्लीज आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा और बनाने के बाद मुझे जरूर शेयर करना मुझसे कि आप लोगों ने ये बनाया था। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। मिलेंगे एक नए ब्लॉग में एक नई शुरुआत के साथ, और कोशिश करूंगी एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।